हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम। आज हम बनाएंगे केसर इलायची लस्सी। ठंडी ठंडी लस्सी का स्वाद गर्मी में ताजगी से भर देता है। पर आपने कभी केसर इलायची लस्सी का स्वाद ट्राई किया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको उसकी रेसिपी दूंगी, वो भी एकदम क्विक एंड इजी। तो ये आधा किलो दही है, 3 से 4 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर, केसर के धागे जो कि गुनगुने दूध में भिगा दिए थे, 3 से 4 इलायची और आइस क्यूब्स, और ये है रूह अफ़ज़ा। तो इसके लिए हमें इतना सामान लगेगा। रूह अफ़ज़ा टोटल ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। तो सबसे पहले हमने लिया है मिक्सी का जार, उसमें हम डालेंगे आइस क्यूब। 25 से 30 आइस क्यूब लिए हैं क्योंकि दही बहुत गाढ़ा है और हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे। जो आइस है वो ही पानी छोड़ेगा और दही को पतला करेगा। तो लस्सी तो वैसे बहुत ज़्यादा पतली बनाई नहीं जाती है, हमेशा गाढ़ी रहती है लस्सी। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ मिक्सी में। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, ये पिसी हुई शक्कर है, ये है केसर। तो याद रहे, गुनगुने दूध में केसर के धागे को भिगाना है तो फिर इसमें एक बहुत अच्छा कलर आता है। और उसके बाद हम इलायची डालेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, ये 3 से 4 इलायची है जिसको मैंने कूट लिया है, और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्सी में चला लिया है और ये लस्सी बनकर तैयार हो गई है। बहुत अच्छी एक केसर की खुशबू आ रही है इसमें से। तो अब हम इसे ग्लास में निकाल लेते। कलर देखिए आप, कितना अच्छा आया है। कभी भी केसर अगर यूज़ करना है तो गुनगुने दूध में उसको भिगा दें, फिर आप उसका कलर देखिए कितना अच्छा येलो कलर देता है वो। तो इस तरह से मैंने ग्लासेस में लस्सी को निकाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा डालने से दो बातें होती हैं, एक तो ये ऊपर से लस्सी बहुत अच्छी लगती है, दूसरी इसमें जो है ना रोज़ का खुशबू आती है भीनी भीनी, वो बहुत टेस्टी लगता है पीने में। तो ये टोटल ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। पर इसके डालने से केसर इलायची के फ्लेवर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें ऊपर से मैंने केसर डाल लिया है, लस्सी बनकर एकदम तैयार हो गई है। आप इसे बनाइए और गर्मियों में ठंडी ठंडी पीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत बन जाती है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, आप फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।